दिस इज सरफराज अहमद, आपका स्वागत है टेकरफोर्ड में। दोस्तों, माउस तो आपने इस्तेमाल किया ही होगा, जो हमारे कंप्यूटर में एक पॉइंटर डिवाइस के लिए काम आता है। ये माउस वायर्ड होता है और वायरलेस भी होता है। वायर वाले माउस में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उसमें वायर के टूटने का डर होता है। अब बात करते हैं वायरलेस की, सेल लगा सकते हैं और उसकी मदद से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी वायर के। उससे क्या होगा कि आप उसको कहीं दूर भी अगर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जबकि ये वायर वाले कंडीशन में नहीं होता है। वायर वाले कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर दूर ले जाएंगे तो वायर के टूटने का डर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एक वायरलेस माउस की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास एक स्मार्टफोन है, एक यूएसबी टू इस माइक्रो कन्वर्टर है, यहां पर सीजर है और ये हमारा नाइफ, और ये बॉक्स जो कि मैंने ऑर्डर किया है एक वायरलेस माउस का, तो मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टियर डाउन करता हूं इस बॉक्स को। तो सबसे पहले हम बॉक्स को टियर डाउन करने से पहले आप यहां देख सकते हैं कि ये यहां पर इस तरह से पैकिंग होकर बॉक्स आता है। ये यहां पर रिसिप्ट है और मैं अब इसको काटने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब इसको मैं काटता हूं और देखता हूं कि इसके अंदर मुझे क्या मिलता है। तो मैं इसको इस तरह काटता हूं और अब मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है। और जैसा कि मुझे फ्लिपकार्ट पे बहुत ही ट्रस्ट है, क्योंकि मैं जो भी ऑर्डर करता हूँ मैं फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करता हूँ, और फ्लिपकार्ट से जो कुछ भी आइटम आता है वो बिल्कुल जेन्युइन रहता है। ख़ासतौर से फ्लिपकार्ट एश्योर्ड के जो भी सेलर हैं वो बहुत ही ट्रस्टेबल हैं, आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि मैं इस आइटम का लिंक दूं डिस्क्रिप्शन में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा करके इस आइटम को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये यहां पर स्टक हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इसको काटना पड़ रहा है, और ये अंदर बबल रैप में पैक किया हुआ यहां पर है, और मैं इसको निकाल रहा हूं और ये निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लगता है कि मुझे खींचना पड़ेगा ज़्यादा ताकत लगा करके, क्योंकि ये यहाँ से भी चिपका हुआ है। आई थिंक मुझे इसको भी कट करना पड़ेगा, और मैं इसको कट करता हूँ और ये यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ। लगता है कि फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत ज़्यादा तगड़ी पैकिंग कर रखी है, इसके लिए मुझे इसको काटना पड़ रहा, दोनों तरफ से मुझे काटना पड़ रहा, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो गया। अरे निकल जा भाई। हाँ, अब देखिए फाइनली मैंने इसको निकाल लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं इसको किनारे रखता हूँ और अब मैं इस बबल रैप को भी हटा देता हूँ और देखता हूँ कि फाइनली मुझे क्या मिला है। और ये बबल रैप को भी मैंने इस तरह हटा दिया और फाइनली आपको मिल जाता है एक वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंपनी का नाम है रापू, यहाँ पे लिखा है 1620 वायरलेस ऑप्टिकल माउस, और ये सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है जिसे मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा आपको क्या यहाँ पर लिखा है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो वायरलेस कनेक्शन की कैपेबिलिटी है, वाईफाई के थ्रू होता है ये, और इसकी कैपेसिटी यानी फ्रिक्वेंसी इसकी है 2.4 GHz, और इसकी बैटरी लाइफ 9 मंथ बैटरी लाइफ लिखा हुआ है अप टू, और यही कुछ है। और यहाँ पर पार्ट नंबर 160 MRP 799, तो ये 799 का आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 2.4G लिखा हुआ है, 9 मंथ बैटरी लाइफ, ये 10 मीटर की रेंज तक ये जा सकता है, आप 10 मीटर दूर भी जाएंगे तो ये आपका पकड़ेगा। और ये लिखा है 1 ईयर वारंटी, 1 साल की वारंटी, और 1000 DPI, मतलब कि डॉट पर इंच। चलिए ये तो था ओवरलो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको नैनो रिसीवर मिलेगा, एक रिसीवर मिलता है जिसको आप USB के थ्रू इंटर करेंगे और लगा सकते हैं। तो यही कुछ इस बॉक्स में है। अब मैं इसको और थोड़ा सा अंदर डीप में जाता हूँ और इसके जो स्टिकर हैं इसको भी मैं इस तरह फाड़ देता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर भी
क्या है वो देख सकूं। तो ये मैंने इसको यहाँ से हटाया और ये मैंने इसको यहाँ से हटाया ताकि मैं इसको घी खोल सकूं। ये देखिए ये अंदर गया और इसके अंदर ये माउस है और ये रहा माउस, ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक ही आपको मिलेगा और इसके अंदर ये आपको USB केबल, ये जो वाईफाई का है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक ये लगाएंगे, आप सेल लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा इस तरह और मैं इसको अब यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब मैं इसको आपको चेक कराना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क करेगा, तो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँगा। वैसे क्यों मैं लैपटॉप नहीं चेक करूँगा और इसके अंदर क्या मुझे मिलता है, कुछ भारी लग रहा है, इसका मतलब कुछ है। अरे वाह, मुझे तो यहाँ सेल भी मिला एक, वाह ये तो कमाल हो गया, यहाँ मुझे एक सेल भी मिला, वाह मुझे तो लगा नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ तो मिला। और ये क्या है क्या है क्या है, 1620 वायरलेस ऑप्टिकल माउस। अच्छा, क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पर है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, फॉर स्टार्टिंग है, लेकिन हम तो जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको पढ़ने वाला वैसे पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि ये तो चाइनीज़ में लिखा है, ये तो बड़ा दिक्कत है। ये देखिए माउस बताया गया है कि ऐसे ऐसे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर नीचे की तरफ ऑन ऑफ का भी दे रखा है, ये देखिए ये यहाँ पर ये ऑप्टिकल माउस की है तो यहाँ पे LED जलेगी बुझेगी और यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप माउस को, ऑन ऑफ, ये मैंने ऑन कर दिया तो ये देखिए ये ऑन हो गया और यहाँ से करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी मुझे ऑन करना है, ठीक है, तो ऑन करना है मुझे, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और फिर मैं इसको चेक करूंगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा इसको, तो मैं अब चेक करूंगा इसको, मैं सबको किनारे रख देता हूं और फिर इकट्ठा मैं सबकी चीज़ को चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं कैसे चेक करने वाला हूँ, ये रहा मेरे पास मेरा फ़ोन, इसको मैं खोल देता हूँ और अब मैं इसके USB केबल को लगाता हूँ यहाँ पर इस तरह, और इसी USB केबल को क्योंकि कन्वर्टर है ये लगेगा नहीं और इसलिए मैंने इसको ये लगाया पिन और इसको मैं इस तरह लगा दिया। और लगाने के बाद बस मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंटर बन के आ रहा है, दिख रहा होगा आप, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ये पॉइंटर भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मुझे माउस ये खेलना है, मैंने ये खोल लिया गैलरी, मुझे यहाँ से कैंसिल करना है, मुझे यहाँ से जाना है वापस एल्बम में जाना है, कर दिया। ये प्लस साइन में जाना है, प्लस साइन में खुल गया, ये डाउन हो गया, गॉट इट पे क्लिक कर दिया, ये नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया। देखिए आपको माउस यहाँ पर दिख रहा होगा, सब कुछ वर्क कर रहा है यहाँ पर। देखिए ये माउस है, ये यहाँ पर आपको कुछ भी खोलना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ वो पॉइंटर देखिए मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पर लगाया और ये पॉइंटर इस तरह मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेटिंग को खोलना, यहाँ पर देखिए सेटिंग, और ये देखिए वाईफाई, यहाँ पर वाईफाई चला गया। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं और नज़दीक कैमरे के कर देता हूँ और ताकि आपको ये पॉइंटर आसानी से दिख सके। देखिए ये पॉइंटर, मैं जैसे माउस को मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो ये पॉइंटर भी मूव कर रहा है। मैं इसको किनारे कर देता हूँ, इस सीज़र को भी किनारे कर देता हूँ ताकि मैं आप यहाँ पर देख सकें। तो अब ये देखिए, ये मैंने ये पॉइंटर है इसको मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा ये पॉइंटर भी मूव नहीं होगा, मूव नहीं हो रहा ना, देख सकते हैं आप यहीं पर रुका हुआ है। जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब मैं इसको मूव करूंगा, ये देखिए मूव कर रहा है, यस। अब मैं कुछ ही चीज़ को भी खोलना चाहता हूं, जैसे मैं डिस्प्ले में, यहाँ देखिए डिस्प्ले है, अब मैं करीब आ ले आता हूं ताकि आप आसानी से देख सकें। ये देखिए वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने छोड़ दिया, यस ये हिल जा रहा है, तो ये हिले ना, इसके लिए मैं इसको बैक करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये डिस्प्ले, मैं गए डबल क्लिक किया, ये देखिए खुल गया। अब कुछ भी आप खोलना चाहते हैं यहाँ पर ये खुल सकता है, बहुत ही अच्छा है। अब इस तरह हम वर्क कर सकते हैं इस माउस की मदद से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करें और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इस तरह बनाता रहूं। मिलूंगा मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, गुड बाय।